आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख वाई आर मॉनसून डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख टेकिंग स्टॉक ऑफ मॉनसून रेन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक के भूगोल खंड से जुड़ा है तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं भारतीय मानसून भीषण गर्मी के बाद अब हर किसी की निगाहें आसमान पर टिकी हुई हैं। कहीं बादलों के बरसने के इंतजार में तो कहीं इस उम्मीद में कि बादल बरसना बंद हो और बाढ़ का खतरा टले इन दिनों देश के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून का असर देखा जा रहा है देश में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है कई जगहों पर तो खूब बारिश हो रही है मगर कहीं कहीं आधा जुलाई बीत जाने के बाद भी मानसून रूठा हुआ सा लग रहा है लगातार हो रही बारिश से असम और बिहार में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं तो दूसरी तरफ कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां लोग एक बूंद पानी को भी तरस रहे हैं भारतीय मौसम विभाग ने एल नीनो का असर कमजोर पड़ने और देश में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई है जबकि यूएस नेशनल वेदर सर्विस के क्लाइमेट प्रोडिक्शन सेंटर के मुताबिक मेडन जूलियन ऑसिलेशन की स्थिति और तीव्रता के कारण भारतीय मानसून का विकास प्रभावित हुआ है इस वजह से भारत में मानसून के आगमन और विस्तार में देरी हो रही है इन खबरों और अच्छी बारिश की उम्मीद के बीच आज हम मानसून और उसकी क्रियाविधि पर चर्चा करेंगे साथ ही मानसून से जुड़े अहम पहलुओं पर भी बात करेंगे तो आइए विचार करते हैं सबसे पहले मानसून और उसकी क्रियाविधि के बारे में जानते हैं मानसून मूल रूप से हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली उन पवनों को कहा जाता है जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश आदि देशों में भारी बारिश कराती है ये ऐसी मौसमी पवने होती हैं जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक सक्रिय रहती है इस अवधि को वर्षा काल यानी बारिश का मौसम कहा जाता है मानसून के उत्पत्ति के संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित हैं जब उत्तर पश्चिम भारत में अप्रैल मई में भीषण गर्मी पड़ती है तो वहाँ कम दबाव का क्षेत्र बनता है जून की शुरुआत में ये निम्न वायुदाब की दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। इन दशाओं में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र में व्यापारिक पवने मिलती हैं। निम्न दाब के कारण इस क्षेत्र में पवने ऊपर की ओर उठने लगती हैं। जुलाई के महीने में आई टी बीस डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है इसे मानसूनी गर्त कहते हैं यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न दाब के विकास को प्रोत्साहित करता है आईटीसीजेड के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड्स कोरिओलिस बल के प्रभाव से विश्वत वृत्त को पार कर जाती हैं और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं गर्म महासागर के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवने अपने साथ पर्याप्त मात्रा में नमी लाती हैं इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम होने के कारण ही इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है जब ये पवने स्थल पर पहुंचती हैं, तो उच्चावच यानी भू आकृति और उत्तर पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायु दाब इनकी दिशाओं को बदल देते हैं ये मानसूनी पवने भारत में प्रवेश करने से पहले दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं और भूखंड पर मानसून दो शाखाओं में पहुंचता है एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा इनमें से एक हिस्सा अरब सागर की ओर से केरल के तट में प्रवेश करता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर से प्रवेश कर ओडिशा पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा और पंजाब में वर्षा करता है अरब सागर से दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाली पवने आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और राजस्थान में बरसती हैं आमतौर पर भारत में मानसून का प्रवेश एक जून को होता है और सबसे पहले यह केरल के तट पर दस्तक देता है प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना आमतौर पर मानसून का प्रस्फोट कहलाता है वायुमंडल में जब विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो मानसून के रुख में बदलाव होता है और वह कम या ज्यादा बारिश के रूप में सामने आता है मौसम मापक यंत्रों की गणना के मुताबिक अगर 90 फीसदी से कम बारिश होती है तो उसे कमजोर मानसून कहा जाता है जबकि छियानवे से 104 फीसदी वर्षा को सामान्य मानसून कहा जाता है अगर वर्षा 104 से 110 फीसदी होती है तो इसे सामान्य से अच्छा मानसून कहा जाता है इससे अधिक वर्षा अधिकतम मानसून कहलाती है अब बात करते हैं भारतीय मानसून पर एल नीनो और इनसो के असर की मानसून पर एल नीनो और ला नीना का काफी गहरा असर पड़ता है एल नीनो एक महासागरीय परिघटना है जो हर पाँच छह साल के बाद आती है हालांकि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से ये आजकल दो तीन सालों में आने लगी है एल नीनो की घटना में पूर्वी प्रशांत महासागर की जल सतह असामान्य रूप से गर्म हो जाती है पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास गर्म समुद्री जलधारा की मौजूदगी होना ही एल नीनो कहलाता है यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से की जल सतह का तापमान अलग अलग हो जाने से वहां बहने वाली व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर विरल वायुदाब क्षेत्र की ओर बढ़ती है इस क्रम में ये हवाएं गर्म जल को पश्चिम की ओर यानी इंडोनेशिया की ओर धकेलती हैं, जिससे एल नीनो का विस्तार होता है इसके अलावा एल नीनो मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब बदलाव से भी गहरे तौर पर जुड़ी हुई है प्रशांत महासागर पर वायुदाब में बदलाव दक्षिणी दोलन कहलाता है प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर के भारतीय ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र के वायुदाब में होने वाला बदलाव ही दक्षिणी दोलन को जन्म देता है जब प्रशांत महासागर में उच्च दाब की स्थिति होती है तब अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में निम्न दाब की स्थिति पाई जाती है दक्षिणी दोलन और एल नीनो की संयुक्त घटना को एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी इंसो के नाम से जाना जाता है जिस साल इंसो ताकतवर होता है दुनिया भर में मौसम पैटर्न में काफी भिन्नताएं देखने को मिलती है उस साल आमतौर पर सूखा रहने वाले दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भारी बारिश होती है जबकि ऑस्ट्रेलिया और भारत में सूखा पड़ता है इस कारण भारत में बारिश कराने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है इस तरह से हिंसों के दौरान मौसम पैटर्न उलट जाता है एल नीनो की तरह ही ला नीना भी मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है यह आमतौर पर एल नीनो के बाद होती है जहाँ एल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वही ला नीना में समुद्री सतह का तापमान बेहद कम हो जाता है ला नीना की स्थिति एल नीनो से बिल्कुल विपरीत होती है अब बात करते हैं भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की मानसून अच्छा होगा या कमजोर ये कई सारे वायुमंडलीय और महासागरीय परिघटनाओं पर निर्भर करता है इनमें एक अहम कारक है एल नीनो और ला नीना। एल नीनो वर्षों में भारत में मानसून कमजोर रहता है वही ला नीना वर्षों में मानसून मजबूत होता है ऐसे ही हिंद महासागर द्विध्रुव यानी इंडियन ओशियन डाइपोल यानी आईओडी भी मानसून को प्रभावित करता है इंडियन ओशियन डाइपोल के दौरान हिंद महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा ज्यादा गर्म या ठंडा होता रहता है पश्चिमी हिंद महासागर के गर्म होने पर भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जबकि ठंडा होने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है मेडन जूलियन ऑसिलेशन यानी एम की वजह से मानसून की प्रबलता और अवधि दोनों प्रभावित होती है एम निरंतर प्रवाहित होने वाली समुद्री परिघटना है यह हवा बादल और दबाव की एक चलती हुई प्रणाली है यह जैसे ही भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमती है वर्षा की शुरुआत हो जाती है जब यह मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होती है तो पूरे भारतीय उप महाद्वीप में अच्छी बारिश होती है दूसरी ओर जब यह एक लंबे चक्र की समयावधि के रूप में होती है और प्रशांत महासागर के ऊपर रहती है, तब भारतीय मानसूनी मौसम में कम बारिश होती है एमजे के चलते महासागरीय बेसिनों में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और तीव्रता भी प्रभावित होती है जिसके परिणाम स्वरूप जेट स्ट्रीम में भी परिवर्तन आता है यही नहीं एमजे भारतीय मानसून के संदर्भ में एल नीनो और ला नीना की तीव्रता और गति के विकास में भी योगदान देता है इसी तरह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात भी मानसून को प्रभावित करते हैं चक्रवातों के केंद्र में अति निम्न दाब की स्थिति पाई जाती है जिसकी वजह से इसके आसपास की पवने अत्यंत तेज गति से इसके केंद्र की ओर बहती है जब इस तरह की परिस्थितियां सतह के नजदीक बनती हैं, तो मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। इनमें भी अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के मुकाबले ज्यादा असरदार होते हैं क्योंकि भारतीय मानसून का प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में प्रवेश अरब सागर की तरफ से होता है इसके अलावा जेट स्ट्रीम भी मानसून को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है अब जानते हैं मानसून से जुड़ी दो तो अहम चिंताओं वर्षा के वितरण और मानसून अनियमितता के बारे में मानसून के संदर्भ में सबसे ज्यादा चिंता इसके वितरण और अनियमितता की है भारत में औसत वार्षिक वर्षा तकरीबन 125 सेंटीमीटर है लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं मानसूनी बारिश काफी अनिश्चित किस्म की होती है कभी बारिश ज़्यादा होने से बाढ़ के हालात बन जाते हैं, तो कभी बेहद कम बारिश होने से सूखे का संकट खड़ा हो जाता है मानसून के आने और इसके वापस लौटने में भी अनियमितता पाई जाती है कभी तो यह समय से पहले आ जाता है तो कभी काफी देर से ऐसे ही यह कभी कभी समय से पहले ही लौट जाता है यही नहीं मानसून से होने वाली बारिश में भी प्रादेशिक विषमता देखने को मिलती है मसलन उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के मासिनराम में लगभग 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है जबकि राजस्थान के जैसलमेर में मात्र 12 सेंटीमीटर के आसपास और लद्दाख रीजन के लेह में कई बार सिर्फ 8.5 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है विभिन्न क्षेत्रों में मानसून से होने वाली वर्षा के उतार चढ़ाव या परावर्तता के लिहाज से भी अंतर देखने को मिलता है अब मानसून विच्छेदन और मानसून की वापसी की प्रक्रिया को समझते हैं दक्षिण मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद अगर एक दो या कई सप्ताह तक वर्षा नहीं हो तो इसे मानसून विच्छेदन कहा जाता है ये विच्छेदन कई वजहों से होता है उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेदन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और आई की स्थिति में बदलाव आने से होता है पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आद्र पवने तट के समांतर बहने लगे ऐसे ही राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली नम हवाओं को ऊपर उठने से रोक देती है अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है शीत ऋतु में सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब का क्षेत्र आई भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है सितंबर के पहले सप्ताह में मानसून राजस्थान गुजरात पश्चिमी गंगा मैदान से लौट जाता है सितंबर के आखिर तक उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है आई की शिफ्टिंग के मुताबिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है यही उत्तर पूर्व मानसून होता है लौटती हुई मानसून पवने बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु दक्षिण आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में बारिश करती हैं आइए चर्चा करते हैं भारत में मानसून की अहमियत की भारत के लिए मानसून की अहमियत जीवन रेखा के समान है भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और देश में होने वाली ज्यादातर कृषि निर्भर है मानसून में होने वाली वर्षा पर जिस साल मानसून अच्छा रहता है तो यह अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी के लिए सुख का संदेश लेकर आता है देश की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा खेती किसानी में लगा हुआ है और देश की जीडीपी का तकरीबन सोलह दशमलव एक फीसदी हिस्सा कृषि से ही आता है लेकिन देश की कुल कृषि भूमि के बड़े हिस्से पर नियमित सिंचाई की सहूलियत मौजूद नहीं है यह बड़ा हिस्सा कृषि के लिए मानसून पर निर्भर है इसलिए अच्छे मानसून को अच्छी फसल से जोड़ा जाता है मानसूनी वर्षा अच्छी होने से नदियों झीलों जलाशयों तालाबों में पानी भर जाता है जिससे न केवल भूजल स्तर ठीक होता है बल्कि जल चक्र का नियमन भी होता है इस रूप में वर्षा का यह जल साल भर आपूर्ति का स्रोत बना रहता है और देश को सूखे के संकट से निजात मिलती है जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली का अपेक्षित उत्पादन भी मानसून पर निर्भर है अगर मानसून अच्छा हो तभी बिजली का उत्पादन भी ज्यादा हो पाता है मानसून का असर महंगाई से लेकर आम आदमी की थाली तक पर पड़ता है अब आखिर में बात करते हैं निष्कर्ष की मानसून भारतीय जनजीवन की धुरी है पर हम अब तक भी मानसून का फायदा लेने और प्रबंधन करना नहीं सीख सके हैं यही वजह है कि हमारे यहाँ पर्याप्त बारिश होने के बाद भी जल संग्रहण उदासीनता दिखती है और भीषण गर्मी में हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है बारिश आती है और पानी बह जाता है पर उसका संग्रहण नहीं किया जाता बारिश की हर एक बूंद को सहेज कर ही हम जल संकट से निपट सकते हैं इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किए जाने के साथ डैम स्टॉप डैम चेक डैम जैसे जल संग्रहण उपायों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है देश के कुछ इलाकों में बारिश से हर साल बाढ़ की स्थिति पैदा होती है जिसका प्रबंधन करना बड़ी चुनौती है इसके लिए आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को और ज्यादा चाक चौबंद करने की दरकार है इसके अलावा मानसून की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए ज्यादा अपग्रेड मैकेनिज्म की जरूरत है ताकि उसके हिसाब से ही सरकार और उसकी बाकी एजेंसियां मानसून की तैयारी कर सके तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन से मानसून पर असर पड़ रहा है इसलिए हमें जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने वाले कारकों जैसे जीवाश्म ईंधन का दहन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन आदि पर नियंत्रण करने की जरूरत है आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए आप कहां तक सहमत हैं कि भारत मानसून का फायदा पूरी तरह उठाने में सक्षम नहीं हो सका है